हेलो 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 बच्चों हेलो यस फाइनली वे आर हियर आ मैं ऑडिबल मेरी आवाज आ रही सभी को सर्वान मजा आवाज ये तो का यस 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 हेलो हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन तर मी आपल्या सर्वांचं या प्रगती पी सी एम ज्याचं एम आहे जेई महाराष्ट्र सीई टी अँड महाराष्ट्र बोर्ड या नवीन बॅचमध्ये आपल्या सर्व ट्वेल्थ स्टुडंटचं स्वागत करतोय मी संदीप सर आपला मॅथ्स टीचर या बॅचमध्ये मी मॅथेमॅटिक्सचा पूर्ण सिलेबस तुम्हाला शिकवणार आहे ठीक आहे अभी इस बैच का मैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इस बैच में आपका महाराष्ट्र सीईटी जेई एंड महाराष्ट्र बोर्ड ये सारे सिलेबस आपके कवर होंगे और साथ ही साथ इलेवंथ का रिवीजन भी होगा आई होप आप सभी के पास इसका प्लानर जो है टाइम टेबल प्लानर ये सब कुछ आपको मिला होगा उसमें आपने देखा भी होगा कि कुछ चैप्टर्स कुछ लेसन है जो एलेवन से बिलोंग करते हैं लेकिन हमने इसलिए प्लानर में लिया है कि वो ट्वेल्थ के टॉपिक को रिलेट करते हैं लेकिन जैसे अपना ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद इलेवंथ के सारे टॉपिक रिवाइज होने वाले मतलब प्रोबेबली डिसंबर के बाद ठीक है ना लेकिन आपको मैं ट्रस्ट दिलाता हूं आपका 12 का सिलेबस तो होगा ही होगा लेकिन 11थ का सारा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा यस yes? तो आप सभी भी चैट में आपका डाल देना कि आप कौन से एस्पिरेंट हो आप जेई एस्पिरेंट हो आप सीटी एस्पिरेंट हो क्या हो आप धर्म मुझे चैट में बता देना ताकि उस लेंथ से हम चल सके लेकिन देखो जो भी डीपीपीज लगेगी जो भी लेक्चर्स में लूंगा बाकी जो टीचर्स है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वो तो चलेंगे तीनों साथ में लेके तीनों मतलब क्या बोर्ड भी साथ में होगा सीई भी होगा एंड जेई भी होगा साथ में ही लेके चलना है सभी को लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा देखो कुछ बच्चे बोल रहे सीई कुछ बच्चे बोल रहे जेई कुछ बच्चे बोल रहे बोथ इसका मतलब कि सारा जो भी आप सीई एस्पिरेंट हो आप जेई एस्पिरेंट हो सबके साथ लेके चलना है सबको साथ में लेके चलना है आगे आपको पता चलेगा मैं पॉइंट आउट करूंगा कि बेटा ये पॉइंट सीई एंड बोर्ड के लिए है जेई के लिए नहीं या फिर एक पॉइंट एक होगा जो सिर्फ जेई के लिए होगा बोर्ड एंड सीईटी के लिए नहीं होगा उसमें मैं पॉइंट आउट करते जाऊंगा आपको लेकिन अभी आपका ट्वेल्थ का बिगिनिंग है

और जेई करते करते सीईटी तो अपने आप मिल ही जाएगा क्योंकि सीईटी को क्रॉस करके ही जेई की तरफ जाना होता है आपको एक याद रखिए सभी सिलेबस को इक्वल वेटेज मिलेगा आपको आपको यहां पे बोर्ड मिलेगा आपको सीईटी मिलेगा एंड एज वेल एज आपका जेई भी मिलेगा जैसे ये मेरा पहला टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री अब ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री के दो लेसन अलग अलग लेने वाला हूं मैं स्पेशली अगर बोला जाए तो ये इलेवंथ वाला ट्रिग्नोमेट्री में ले रहा हूं 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री ले कहेंगे? कहेंगे लेकिन आपको पता है कि ट्वेल्थ वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपका एलेवंथ का ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवाइज कराऊं लेकिन इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे प्रूफ में बिल्कुल नहीं जाएंगे प्रूफ चाहिए भी नहीं क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के लिए इलेवंथ का सिलेबस नहीं होता है इसके लिए ये जो लेसन होगा जो इलेवंथ वाला ट्रिग्नोमेट्री में ले लूंगा वो सभी एज अमसी क्यू लेवल पे लेके चलूंगा क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके महाराष्ट्र सीई टी के लिए भी है और आपके जेई के लिए भी है एक क्वेश्चन आएगा महाराष्ट्र सीईटी टी इस टॉपिक जो पर्टिक्युलरली इलेवन बिलोंग बिलॉंग करताय एक सीईटी में, में भी एक ही क्वेश्चन आएगा ओके तो ऐसा आहे मग पाहूयात आणि वन्स मोर की आपली जी टीचिंग लँग्वेज आहे जी सर्व टीचर्स आम्ही टीचिंग लँग्वेज वापरणार ती वापरणार आम्ही मराठी एज वेल एज हिंदी दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून आम्ही यामध्ये घेणार आहेत ठीक आहे ना यस हा येतील ना स्टुडंट uh, कमी असतील तर uh, भरपूर जणांनी स्टुडंट बॅच घेतलेली आहे ही फर्स्ट लेक्चर आहे या बॅचचं फर्स्ट लेक्चर आहे काही जणांना uh, वेळ लागेल थोडं कनेक्ट व्हायला त्यामुळे कमी वाटत असतील स्टुडंट ठीक आहे तर मग याच्यामध्ये आपण स्टार्ट करूया त्याचं एलेवन्थ टिक्नॉमेट्री याचं वेटेज मी सांगितलं आणखी एकदा वेटेज मी सांगतोय एलेवन्थचा हा जो टिक्नॉमेट्री लेसन आहे याच्यामध्ये आपल्याला जेई मध्य एक क्वेश्चन दिसेल सीईटी मध्य देखिए एक क्वेश्चन दिसेल यस yes. हिंदी भी यूज करूंगा हिंदी भी यूज करूंगा मराठी भी यूज करूंगा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं यस दोनों लैंग्वेज में लेंगे दोनों लैंग्वेज में लेंगे कोई दिक्कत नहीं ओके okay? चलो फिर इस वाले में 11 टेक्नोमीट्री में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कवर क्या क्या करेंगे द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन रिलेशन क्या होता है देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता है कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है इंपॉर्टेंट उसके बारे में भी पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स यानी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूलाज जिसको हम कहेंगे कंपाउंड एंगल्स देन मल्टीपल एंगल्स मल्टीपल एंगल्स में क्या होगा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा ये वाले फॉर्मूलास इसको कहेंगे हम मल्टीपल एंगल्स देन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी ये वाला फर, ये वाले जो फॉर्मुल होते हैं ना इसको कहेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज जैसे कि आपको पता है साइन कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होती है -1 वन टू प्लस वन में उनके मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू लाए होती है लेकिन जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाएगा तो उसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी इस लेसन में हमको पढ़ना है वंस मोर ठीक आहे आणखी एकदा मी सांगतोय की हा लेसन इलेव्हनचा टेक्नॉमिट्री आहे आपली बॅच ट्वेल्थची ची टेक्नॉमिट्री ट्वेल्थ ची बॅच आहे त्यामुळे ट्वेल्थची जी टेक्नॉमिट्रीचा लेसन आहे जो आपल्या बोर्ड बुकमध्ये टिकनॉमेट्रिक फंक्शन नावाने येतो तो याच्या नंतर आपण पाहणार आहेत या लेसनच्या नंतर या लेसनचे आय थिंक पाच एक काहीतरी लेक्चर आहेत माझे पाच लेक्चर आहेत या वीकमध्ये हा एक फर्स्ट लेक्चर होतोय उद्या एक लेक्चर आहे त्यानंतर डायरेक्टली नेक्स्ट वीक मध्ये लेक्चर कंटिन्यू होणार आहे नेक्स्ट वीकमध्ये सोमवारपासनं तर पाच लेक्चर मी ह्याच्यामध्ये दिलेले आहेत इलेव्हनच्या वरती कारण की या एलेव्हच्या टेक्नॉमिट्री जर परफेक्ट असेल तरच तुम्हाला ट्वेल्थचं टेक्नॉमिट्री समजेल हे लक्षात घ्या ओके okay? त्यामुळे इलेव्हनचा टेक्नॉमिट्री परफेक्ट ठेवा आपोआप ट्वेल्थचं टेक्नॉमिट्री आपलं परफेक्ट होऊन जाईल ट्वेल्थच्या टेक्नॉमेट्रीमध्ये काय काय येतं बेटा इलेवनच्या टेक्नॉमेट्रीमध्ये मी तर सांगितलं हे सगळे टॉपिक येतात इलेव्हनच्या टेक्नॉमेटरीमध्ये आयडेंटिटीज येतात कंपाऊंड अँगल ट्रान्सफॉर्मेशन मल्टिपल अँगल मॅक्झिमम मिनिमम व्हॅल्यू ट्वेल्थ ट्रिकनॉमेट्रिक फंक्शन लेसनमध्ये काय येतं तर तिथे येतं ट्रिक्नॉमेट्रिक इक्वेशन त्याचं जनरल सोल्युशन त्याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन त्यानंतर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रँगल त्यामध्ये साइन रूल कोसाईन रूल पुन्हा इन्व्हर्स टेक्नॉमेट्री फंक्शन ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ट्वेल्थमध्ये येतात येस बेसिकपासून घेणार आहे बेसिकपासून घेणार आहे म्हणून ह्या इलेवनच्या वरती पाच लेक्चर घेणार आहे पाच लेक्चर इलेव्हनचा जरी असेल तरी मला माहिती आहे हा परफेक्ट झाला तरच तुमचा ट्वेल्थ परफेक्ट होईल बट एक गोष्ट आहे की ट्वेल्थचा जो टेक्नॉमेट्री आहे ट्वेल्थचं टेक्नॉमेट्री जेव्हा आपण स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला समजेल की मी तिथं सगळ्या गोष्टी विथ प्रूफ घेतोय सगळ्या गोष्टी कशा घेतो विथ प्रूफ घेणार आहे ट्वेल्थच्या टेक्नॉमेट्रीमध्ये मात्र एलेव्हनची जे टेक्नॉमेट्री आहे इथं आपण सगळेच फॉर्म्युलाज प्रूव्ह करत बसणार नाहीत इथं फक्त तुम्हाला मी रिकॉल करायचे आणि इथं मोर अँड मोर क्वेश्चन्स करायचे कारण ह्याचं याचं तुम्हाला जास्त हे कोणी विचारणार नाही ना याचं प्रूफ कशाला विचारेल इलेव्हनच्या टेक्नॉमेट्रीचं प्रूफ कोणी विचारत नाही है ना इलेवनच्या टिकोनॉमेटिक फॉर्म्युलाचं प्रूफ कोणी विचारत नाही याच्यामुळे याचं फक्त लिस्ट डाऊन करून घेऊयात की सगळे फॉर्म्युला एकदा लर्न करूयात याच्या प्रूफमध्ये आपल्याला द्यायचं नाही आहे बट बेस्ट की ह्याचे क्वेश्चन्स मी भरपूर घेणार आहे जवळपास हंड्रेड टू वन फिफ्टी क्वेश्चन्स कवर होतील लेक्चर्समध्ये शीट प्रॅक्टिसशीटमध्ये तुम्हाला थोडस मी याचा फॉर्मॅट सांगतो हा पहिला क्लास आहे म्हणून तुमच्या काही आयडियाज मी क्लिअर करतो क्लिअर असा करतोय की काय काय तुम्हाला भेटणार आहे या बॅचमधून लेक्चर्स तर आम्ही डिलिव्हर करतोय ज्यामध्ये आम्ही तुम्हाला थिअरीज पार्ट शिकू काही क्वेश्चन्स घेऊ त्यासोबत तुम्हाला डेली लेक्चर झाल्यानंतर डी पी पी सुद्धा भेटणार आहे डी पी पी मध्ये त्याचं व्हिडिओ सोल्युशन सुद्धा भेटणार आहे डी पी पी चा। आणि चॅप्टरच्या लास्टला एंडला प्रॅक्टिस शीट पण भेटणार आहे विथ सोल्युशन म्हणजे आधी तुम्हाला प्रॅक्टिस शीट प्रोवाईड केली जाईल ते तुम्ही स्वतः ट्राय करायची आणि मग जे नाही आलं हां ते पुन्हा प्रॅक्टिस करताना जे क्वेश्चन तुम्हाला नाही जमले ते आमचं व्हिडिओ सोल्युशन पाहून तुम्ही क्लिअर करून घेऊ शकता एवढ्या सगळ्या गोष्टी भेटणार आहेत मग लेक्चरमधले काही क्वेश्चन घेऊयात डी पी पीज आता जसं की हा इलेवनचा ट्रिगनॉमिट्री लेसन आहे यस शॉर्टकट सुद्धा सांगेन भरपूर शॉर्टकट्स आहेत आपल्याकडे सगळ्या शॉर्टकट सीईटीचा असो किंवा जेईचा असो सभी शॉर्टकट्स के बारे केले बात होगी सभी शॉर्टकट्स के बारे में बात होगी बिलकुल चिंता नाही बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप सभी सब कुछ मिलेगा आपको यहां पे देखो ना लेक्चर्स पांच लेक्चर्स पांच लेक्चर्स में से आई थिंक इसी लेक्चर में सारा थ्योरी में कवर कर दूंगा आपका बाकी चार लेक्चर्स क्या करना है बेटा क्वेश्चंस क्वेश्चंस डीपीपी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस मतलब मैं मान के चलता हूं कि खाली इस इलेवंथ वाले ट्रिग्नोमेट्री पे आपको कम से कम हंड्रेड टू वन क्वेश्चंस कि प्रैक्टिस में करा सकता हूं अलग अलग टाइप के उसमें बोर्ड टाइप के भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सीईटी टाइप के भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें जेई टाइप के भी क्वेश्चन कराऊंगा एक बच्चे ने पूछा है सर बुक्स को फॉलो कराएचे तर बुक्स कोणते फॉलो करायचे याच्याबद्दलचं माझं मॅथमॅटिक्सबद्दल बरं का तुम्ही फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीच्या त्या त्या फॅकल्टीजला तुम्ही बोला पण फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर बुक्समध्ये तुम्ही आय आय थिंक की आर्यंत पब्लिकेशन इथं मी देतोय हे बघा बुक्समध्ये सगळ्यात आधी जर तुम्ही जेईसाठी बोलतो आहे बरं का हे सगळं साठी आहे अरिहंत पब्लिकेशन बेस्ट बुक आहे अरिहंत पब्लिकेशन त्यानंतर सिंगेज सिंगेज पब्लिकेशन हे दोन पब्लिकेशनचे जर बुक्स तुम्ही वापरले तर सफिशियंट आहे आय थिंक दोन्ही नाही कोणतं तरी एकच वापरा एकतर आर्यंत अरिहंत घ्या किंवा सिंगेज घ्या याच्यामध्ये पण कसं असतं मॉडल्स असतात अलग अलग मिलेंगे आपको अलग अलग मॉडेल्स मिलेंगे कॉर्डिनेट ज्योमिट्री का अलग मॉडल आपका अल्जेब्रा का अलग मॉडल कॅल्कुलस का अलग मॉडल रहेगा अगर हम एम एस टी सीई टी की अगर हम एम एस टी सी टी की बात करें तो वहां पे एक ही चॉइस है आपके पास जो सबसे बेस्ट चॉइस है उसका नाम है टारगेट पब्लिकेशन बस यही बुक आपको यूज करना है बाकी कोई बुक आपको यूज नहीं करनी सिर्फ और सिर्फ टारगेट पब्लिकेशन यूज करना है जहां तक कि सीई टी की बात हो रही है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बोर्ड बुक है ना वहां पे तो बोर्ड बुक ही लेना है स्कोर बूस्टर बेस्ट बुक Uh, मुझे नहीं पता बेटा स्कोर बूस्टर बेस्ट है या नहीं क्योंकि मैंने कभी रेफर किया नहीं है लेकिन जहां तक मुझे uh, मतलब लास्ट भी हमने एक सार्थक बैच ली थी आपके सीनियर लोगों की uh, सी, जो अभी uh, जिनका सीटी खत्म हुआ तो मैंने तो uh, ए टू जेड टारगेट पब्लिकेशन ही कराया था और जो जेई का बैच था जेई का बैच नहीं था लेकिन जो uh, सीरीज लिए हमने उसमें मैंने आर्यन पब्लिकेशन सिंगेज पब्लिकेशन ये ये भी ये यूज किया था और जब जहां तक इसके प्रैक्टिस शीट की बात है न, वहाँ पे सारे प्रीवियस इयर सीई टी एड प्रिवियस ईयर जेई के क्वेश्चन में करूंगा अर्यंत एम एस टी सीई टी पण छान आहे हां अर्यंत एम एस टी सीई टी पण छान आहे पण त्यापेक्षा जेईसाठी आर्यंत पब्लिकेशन बेस्ट आहे आणि तसं तर मार्केटमध्ये भरपूर बुक्स आहेत मार्केटमध्ये बुक्स भरपूर आहेत त्यापैकी बेस्ट चॉईस जी मला वाटते ती मी तुम्हाला सांगितली तुम्हाला तर यापेक्षा वेगळं एखादं बुक चांगलं वाटत असेल तर तुम्ही ते वापरा तर तुम्हाला मी काय सांगतो टार्गेट सॉरी प्रॅक्टिस शीट जी आहे जे आपल्या ह्या लेसनच्या एंडला भेटणार आहे या लेसनच्या शेवटी जे तुम्हाला भेटणार आहे त्याच्यामध्ये ऑल प्रिव्हियस एअर सीई टी ऑल प्रिविस एअर जेई क्वेश्चन्स कवर करणार आहेत आपण ओके तर एवढ्या सगळ्या क्वेश्चनची प्रॅक्टिस घेणार आहे सोबत डाऊट सोल्युशन डाऊट सोल्युशनची सुद्धा फॅसिलिटी आहे त्याच्याबद्दल पण मी थोडस सांगून देतो कारण बऱ्याच स्टुडंटला तो पण असतो की आमच्या डाऊट कुठं क्लिअर होतील तर त्याबद्दल पण सांगून देतो की डाऊट सोल्युशनची इंजिन आहे डाऊट uh, इंजिन ज्याला म्हणतो आपण यावेळेस आपल्याकडे पीअर टू पीअर सोल्युशनची सिस्टीम आहे पीअर टू पीअर सोल्युशन म्हणजे काय की तुम्ही एखादा डाऊट तिथं पोस्ट करता तते तर ते डाऊट विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स सॉल्व्ह होणार आहे एकतर आम्ही फॅकल्टी जे तुम्हाला डायरेक्टली टीचिंग करणार आहेत आम्ही तुमचा डाऊट सॉल्व्ह करू किंवा जे एस इज आहेत एस एमई म्हणजे एक प्रकारची ज्युनियर फॅकल्टी किंवा बॅकहेंड टीम आहे ते सुद्धा तुमचा डाऊट सॉल्व्ह करतील किंवा एक फॅसिलिटी अशी आहे की एका स्टुडंटचा डाऊट दुसरा स्टुडंट सुद्धा सॉल्व्ह करू शकतो तुम्हाला एखाद्या डाऊटला जर आम्ही तिघांनीही सॉल्व्ह केला असेल तर त्यामध्ये तुम्ही तिघ तीनही सोल्युशन रिफर करू शकता तुम्हाला जे बेस्ट वाटेल ते कंटिन्यू करा जे बेस्ट वाटेल ते कंटिन्यू करा ओके ठीक आहे ना असं आहे तर डाऊट सोल्युशन सुद्धा तुम्हाला टाइम टू टाइम तुमचा विचारलेला डाऊट जो आहे विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स तुमचा डाऊट सॉल्व्ह केला जाईल तीन प्लॅटफॉर्म आहेत डाऊट सॉल्व्ह करण्याचे मी आत्ता बोललो तसं तीन प्लॅटफॉर्ममध्ये कुठं ना कुठं तुम्हाला डाऊट क्लिअर करून भेटेल म्हणजे भेटेल ओके सर एनसीईआरटी इज नेसेसरी और नॉट आई होप बेटा एनसीईआरटी के पीछे मत जाओ हालांकि एनसीईआरटी बेस ही जेई का सिलेबस होता है मुझे पता है लेकिन मैं क्यों कहूंगा कि एनसीईआरटी बुक इतना कम है उसमें कंटेंट इतना कम है ना उससे जेई बनेगा नहीं आपने अगर लास्ट ईयर के कुछ जेई पेपर देखा हो देखे होंगे ना तो आपको पता चल गया होगा कि Uh, सिर्फ एन करने से जेई नहीं निकलता है नीट की बात अलग है नीट पूरा का पूरा एन बुक्स में से ही आता है लेकिन जेई एट पार आता है एन बुक से भी बहुत आगे जाना होता है जहां तक बात हो जेई की एन बुक के बहुत आगे जाना पड़ता है इसके लिए एन बुक मुझे नहीं लगता कि आपको लेना भी चाहिए हाथ में हाँ सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कोई सिलेबस डिलीटेड तो नहीं है लेकिन क्योंकि अगर ये में कोई सिलेबस डिलीट है ना तो उस उसपे क्वेश्चन आएगा नहीं जेई में इस बार आपने देखा भी होगा कि कुछ सिलेबस डिलीट भी हुआ है इसमें से एनसाइटी में से है ना यस चलो स्टार्ट करेंगे फिर मैं डाउट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं यस पोल भी लगाऊंगा पोल भी लगाऊंगा थोड़ा सा इसमें एक एक मिनट में थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है हाफ uh, स्क्रीन ले लो चार्ट की पूरा यस yes, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूं चार्ट की ताकि मैं अच्छे से आपके सबके चार्ट पढ़ सकूं। वेट ए आप पोर्शन uh, भी लेंगे तो थ्री डॉट है ना थ्री डॉट ऊपर हाँ उसमें हाँ वो चार्ट उसका जरा साइज बढ़ाना था। ठीक है ऐसे फिर क्या सर व्हाट अबाउट नोट्स हाँ बेटा ये लेक्चर जैसे आपको आ, हो जाएगा ना कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे अपने ऐप आप में ही मिल जाएंगे ऐप में ही मिल जाएंगे हाँ बुक जब घेन बसों का

सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा क्या हाँ बेटा ये जो लाइव चल रहा है ना अभी ये साथ ही साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है जैसे ही मेरा लाइव खत्म होता है ना ये लेक्चर अपने आप अपने स्कड्यूल में रिकॉर्डेड uh, की फॉर्मेट uh, में वहां पे सेव रहता है कभी भी आप देख सकते हो कितनी भी बात देख सकते हो वन एक्स टू पे जाके देख सकते हो मतलब फास्ट uh, फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो यस yes? ओके okay? हाँ क्रैश कोर्स या तो मेल का है आय डोंट नो बेटा अबाउट दॅट की कोर्स याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे की काही वेगळा आहे आय डोंट नो सर पी डब्ल्यू स्टोअरवरूनच बुक घेतले तर हा बेटा डिस्काउंट मिळेल ना ॲज अ पी डब्ल्यू uh, स्टुडंट तुम्ही आहेत तर पीडब्ल्यू स्टोअरमध्ये तुम्हाला काही डिस्काउंट पण ऑफर अस असतं त्याच्यातून uh, तुम्हाला डिस्काउंटेड uh, प्राईजमध्ये बुक्स भेटतात तर तुम्ही पी पी डब्ल्यू स्टोअर वापरायला पाहिजे Hmm? फॉर्म्युला याद रखने की ट्रिक हा बेटा एक साल अपना ले, साथ में रहने वाले, आराम से सब कुछ आरामसे बताऊंगा एक एकही क्लास में थोडी ना आराम से आरामसे सब कुछ हम्म hmm? रायटिंग करायची का बेटा ही साथ तुम्हाला रायटिंग करायची असेल तर करू शकता किंवा हे सगळे नोट्स तर तुम्हाला भेटणारेच आहेत त्यामुळे तुम्हाला लेक्चरच्या नंतर बसून इम्पॉर्टंट नो पॉइंट लिहून घ्यायचे असतील तसं करा पण एक सेपरेट माझ्यासाठी एक सेपरेट नोटबुक असायला पाहिजे हा ह्याच्या सोबत ऍट अ टाइम करा किंवा हे करा लेक्चरच्या नंतर तर लेक्चर सिलेबस केव्हा संपेल सिलेबस केव्हा संपेल नोव्हेंबर एंडला सिलेबस संपणार आहे नोव्हेंबर मिरल या एंडला जसा का प्लॅनर तुम्हाला भेटला असेल बघा प्लॅनर तुम्ही पाहून घ्या ट्वेंटी नोव्हेंबरला बॅच सिलेबस एंड होतोय बॅच एंड नाही सिलेबस संपतोय ट्वेंटी नोव्हेंबरला त्याच्यानंतर बहुतेक तिथं इलेव्हनचे टॉपिक्स आम्हाला रिवाईज करायचे आहेत ॲपमध्येच सगळे इलेव्हनचे टॉपिक रिवाईज करायचे आहेत आणि काही टेस्ट सिरीजसुद्धा घेणार आहेत आपण टेस्ट सिरीजसुद्धा होणार आहे कारण आपल्याला माहिती आहे की पुन्हा लगेच जानेवारीमध्ये आपली जेईची फर्स्ट अटेम्प्टची एक्झाम असते जेईची फर्स्ट अटेम्प्टची एक्झाम असते त्याच्यामुळे फिफ्टीन टू ट्वेंटी नोव्हेंबरपर्यंत आपला सिलेबस संपून जाईल त्याच्यानंतर इलेवनचं रिव्हिजन होईल काही टेस्ट सिरीज वगैरे असतील तो होईल किंवा क्रॅश कोर्स होईल पुढचं माहिती नाही पण हा सिलेबस ट्वेंटी नोव्हेंबर पर्यंत संपणार आहे एक येस? ओके नाही मी थोडासा चार्ट जास्त वाचतोय हो कारण एकदा का आपण पुढे गेलो सगळे एकदा फॉर्मॅट तुम्हाला बॅचचा कळाला की रोज तुम्ही रोज आपण चार्ट वाच वाचत बसणार नाहीत ओके येस आ, सो डेफिनेशन काय आहे अँगल का ये अँगल का डेफिनेशन आहे अमाऊंट ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में आप एंगल काउंट करते हो तो नेगेटिव होता है एंटीक्लॉकवाद अगर जाते हो तो एंगल पॉजिटिव होता है ये तो बेसिक वाला चीज है आपको सब लोगों को पता होगा इंग्लिश सर्कुलर सिस्टम या इसे हम कहेंगे डिग्री सिस्टम आपको पता है कि डिग्री सिस्टम में क्या होता है और ये होता है आपका रेडियन रेडियन सिस्टम आई होप आप सभी बच्चे ट्वेल्थ के बच्चे हो इसका मतलब कि आपका एलेवंथ वाला सब कुछ हुआ होगा फिर भी एक बेसिक से जाना है इस टॉपिक में इसलिए मैं इलेवंथ का सारा टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं आपको यह सेक्सा गैसिमल जो होता है डिग्री आपको पता है थर्ट थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री टेंथ तक हम डिग्री यूज करते थे लेकिन जैसे हम इलेवंथ में चले गए तो वहां हमने सीखा कि रेडियन कैसे यूज किया जाए टू पाई बाई थ्री वन ट्वेंटी डिग्री है है ना 3, 4, 2, है ना पाई 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 बाय 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 डिग्री 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 इसका कन्वर्जन में बताऊंगा आपको कि डिग्री से रेडियन कैसे जाना है रेडियन से डिग्री कैसे जाना है सो देर आर टू सिस्टम्स डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम यहां देखो वन राइट एंगल इक्वल टू नाइनटी डिग्री वन डिग्री इक्वल टू सिक्सटी मिनट एंड वन वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकंड यानी कई बार क्या होता है एज एग्जाम्पल देखो एज एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कहीं लिखा हुआ आपने देखा होगा डिग्री तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा ट्वेंटी थ्री हाँ डिग्री कंप्लीट है प्लस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री है अब आपको पता है कि ट्वेंटी थ्री डिग्री प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स करेंगे तो ये मिनट में चला जाएगा तो ये ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड क्या हो गया थर्टी इज नॉट हंड्रेड परसेंट कंप्लीटेड कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं यहाँ पे सारी चीजें ये 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 का का ही तो है. ये 11th का ही है. हा? ये तो तो है है देखो एंगल होता है आपका नाइन्टी डिग्री वन डिग्री होता है सिक्सटी मिनट का वन मिनट होता है सिक्सटी सेकेंड का कई बार क्या होता है डिग्री को जब पॉइंट में लिखा जाता है ना तब मिनट uh, की जरूरत पड़ती है अगर ये मिनट भी पॉइंट में होता अगर इसका आंसर पॉइंट में आता ना तो इसे में लेके जाता सेकंड्स में इसे में आगे लेके जाता सेकंड्स में लेकिन यहां मेरा मिनट कंप्लीट है पॉइंट में नहीं है डेसिमल पॉइंट में नहीं है इसके लिए मुझे इसके सेकंड में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन अगर ये पॉइंट में आता तो मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी करके मुझे इसे सेकंड्स में लेके जाना पड़ता ये चीज है ठीक है अब देखो यहां पे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन आपको पता है ये वाला रिलेशन वन रेडियन इक्वल टू वन एटी बाय पाए वन डिग्री इक्वल टू पाए बाय वन एटी मतलब क्या होता है ये देखो यहां पे रेडियन है और यहां पे है आपका डिग्री जैसे आप रेडियन से डिग्री की तरफ जाओगे रेडियन से डिग्री की तरफ जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है किससे बाय से, है ना? रेडियन से डिग्री की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय अपॉन डिग्री से रेडियन जा रहे होंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए बाय से। मल्टीप्लाई कीजिए पाए बाय से यह चीज होती है एग्जाम्पल ले लेते example ले लेंगे अब देखो एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है मेरा टू पाए बाय थ्री तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में सॉरी uh, डिग्री में ये ऑलरेडी रेडियन में ऊपर सी लिखा है मतलब क्या होता है रेडियन में होता है इसे में मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में काफी बेसिक क्वेश्चन है काफी बेसिक है लेकिन कुछ बच्चों का एलेवंथ नहीं हुआ इसलिए इस इस बेसिक से मैं लेके जा रहा हूं आपको इस बेसिक से मैं आपको लेके जा रहा हूं अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में कोई बच्चों को हंसी आ सकती है कि सर क्या आप बेसिक ले रहे हो लेकिन धीरे-धीरे लेवल बढ़ाऊंगा चिंता मत करो लेकिन अपने कुछ बच्चे हैं जिनका 11th तो उतना स्ट्रांग हुआ नहीं क्योंकि क्या होता है बच्चा 11th में उतना सीरियस होता नहीं है इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं धीरे-धीरे बेसिक लूंगा लेकिन आपको जेई का लेवल दिखाऊंगा जेई लेवल तक आपको लेके जाऊंगा ठीक है ना तो इसका सीधा सांत सीधा सा आंसर क्या है अब मैंने अभी बोला था कि अगर आपको रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए वन एटी बाय पाए से ये आप चले गए डिग्री में है ना तो ये पाए पाई कैंसल और ये आंसर आपका आ गया वन ट्वेंटी डिग्री अच्छा अगर ये आपको पता चल गया ना तो मुझे इसका आंसर दे दो कि टू फोर्टी डिग्री रहने दो टू फोर्टी नहीं अलग लेंगे हाँ थ्री नाइनटी डिग्री डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे थ्री नाइनटी डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे थ्री नाइनटी डिग्री को रेडियन में कैसे लिखना है ये मुझे बताओ यस थ्री नाइनटी डिग्री को रेडियन में मुझे लिखना है अब इसका आंसर बताओ अभी मैंने बताया था कि डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए आपको क्या करना होता है पाई बाय वन एटी से मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाय वन एटी से मल्टीप्लाई करना होता है तो थ्री नाइनटी टू पा अपॉन वन एटी यह आप रेडियन से मल्टी रेडियन uh, में चले गए अब इसका कैलकुलेशन आप अगर ऐसे कुछ आंसर आता है इसका थर्टीन पाइव बाय सिक्स आ रहा है अगर मैं थ्री से डिवीजन करू तो थर्टीन पाइव बाय सिक्स इसका आंसर आता है ओके थर्टीन पाइव बाय ट्वेंटी आ रहा है क्यों संकेत थ्री पाई बाय ट्वेंटी थ्री नाइन्टी को थ्री नाइन्टी डिग्री को पाई बाय by... नहीं क्यों थ्री पाई बाई थर्टीन पाई बाय सिक्स हाँ जगदीश थर्टीन पाई बाय सिक्स सही आंसर है एंसर. सही आंसर आंसर है।, है। आएगा। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेडियन से डिग्री में जाओगे एक्चुअली शॉर्टकट है? है नहीं लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ जैसे कि समझो मेरे पास क्या है फाइव पाए बाय सिक्स है यहाँ एक काम करो हमेशा पाए रेडियन को रिप्लेस करते जाओ वन एटी से बस उतना ही काम करना है बाकी अपने आप मैनेज हो जाएगा बाकी अपने आप मैनेज हो जाएगा तो ये मिला आपको 150 डिग्री ये आपका शॉर्टकट होता है इस तरीके से सिर्फ क्या रिप्लेस करना है आपको पाई को रिप्लेस करना है 180 डिग्री से रेडियन टू डिग्री जाना आसान है रेडियन से डिग्री में जाना आसान है जस्ट पाई रिदे... पाई की जगह क्या लिखो 180 डिग्री लिखो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है ये काफी बेसिक वाला चीज हो गया अब ये अपना है आइडेंटिटीज ये क्या होंगे ये होंगे आपके आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज ठीक है तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपका साइंस स्क्वेयर थीटा प्लस थीटावल टू वन है ना वन फिफ्टी आया ना मेरा आंसर हाँ वन फिफ्टी हाँ तो साइंस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू वन वन प्लस टाइम स्क्टा इक्वल टू सेक्स स्क्वे थीटा वन प्लस स्क्वे थीटा इक्वल टू को सवेर थीटा और यहां पे चीज देख लो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है इससे आपको क्या पता चलता है सेके प्लस टेन ए एंड सेके माइनस टेन ए आर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच ऑर्के प्लस टेन ए एंड सेके माइनस टेन ए आर ऑफ इच रेसिप्रोकल सिमिलरलीसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए आर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच ऑर्दर मतलब कि क्या एग्जाम्पल दे दू मैं इसका इफ मान के चलो कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय थर्टीन है और मुझे फाइंड करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो मैं सीधा आंसर लिखूंगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू थर्टीन बाय फाइव इक्वल टू क्या है इक्वल टू है थर्टीन अपॉन फाइव देखो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे सिमिलरली सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये भी एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल्स होंगे ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे काफी क्वेश्चंस में इससे आपका टाइम बच जाएगा अगर ये चीज आपको याद है तो ये चीज आपको अगर पता है ना तो काफी आपका टाइम बच जाएगा समझ में आ रही बात ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ये तो में भी आपने पढ़ा होगा ना ये वाले आइडेंटिटी टेंथ में पढ़ी होगी ये वाले भी पार्ट है, है ना? वाले में आ आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो या स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो दोनों बोर्ड में ये आइडेंटिटीज वहां पे अपने बुक में थी आपने काफी बार ये आइडेंटिटीज यूज की होंगी लेकिन इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी जेई लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर भी जेई लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ यूजिंग आइडेंटिटीज यही तो ब्यूटी है मैथमेटिक्स की आगे चलेंगे ठीक है ना हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ये टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा के लिए याद रखना है हमेशा के लिए ये टेबल आपको याद रखना है क्या टेबल है सर पढ़ो एक बार अच्छे से डोमेन एंड रेंज की बात हो रही है डोमेन एंड रेंज की बात हो रही है साइन फंक्शन का डोमेन क्या है आर रेंज मतलब आने वाली वैल्यू साइन की आने वाली वैल्यू हमेशा लाए होती है माइनस वन टू प्लस वन में ये दरा आराम से देख लेना ये टेबल दरा आप आराम से देख लेना तो आपको पता चल जाएगा अब ये पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का जो क्लास है ना मैथमेटिक्स का जो क्लास है अपना ये वो चार से फोर टू फाइव फोर्टी फाइव तक चलेगा फोर्टी फाइव के बाद आई थिंक टेबल देखो कोसेक का डोमेन रेंज टेन का डोमेन रेंज आपको पता है कि टेन ऐसे एंगल्स पे अप्लाई नहीं होता है जो एंगल्स और मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री होते हैं जैसे कि पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू उनपे टेन अगर अप्लाई करते हो ना तो आंसर आता है नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन इसके लिए डोमेन में उसको माइनस किया जाता है ये क्या होता है प्लस वन पाई बाई टू एन मतलब प्लस क्या है मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू होता है ये माइनस करना होता है सिमिलरली कोशिकाय पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि एन पाई पे कोशिक क्या होता है नॉट डिफाइन होता है एन पाई पे सिमिलरली ये याद रखो सेके और ये याद रखो, कौटे। तर ह्या सगळ्या गोष्टी डोमेन आणि रेंज पूर्ण लेसन लेसनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत डोमेन आणि रेंज पूर्ण टेक्नॉमिट्रीमध्ये अतिशय महत्त्वाचे आहेत ह्याला बिलकुल मिस करायचं नाही लक्षात ठेवा क्वेश्चन्स करताना ह्या टेबलचा खूप जास्त यूज होतो या टेबलचा क्वेश्चन्समध्ये खूप जास्त यूज आहे ओके okay? मी तुम्हाला ह्या टेबलला आणखी वेगळ्या प्रकारे समजून समजवून सांगतो बाय युझिंग ग्राफ ग्राफिकल मेथडनी याला समजवून सांगायचा प्रयत्न करतो मी याचा एक ग्राफ काढतो एक तुम्हाला हे होण्यासाठी मीन्स आयडिया क्लिअर होण्यासाठी तसं तर इलेवन्थमध्ये तुम्ही ग्राफ पाहिले असतील त्यांचा एक ग्राफ काढून दाखवतो आणि कोणता काढू हां कोसेकचा एक ग्राफ काढून दाखवतो हे तीन ग्राफ तुम्हाला काढल्यानंतर हे डोमेन काय असतं रेंज काय असतं या आयडिया तुमच्या क्लिअर होतील हा एकदा मी ग्राफ काढतो म्हणजे हे डोमेन नेमकं काय चीज आहे ही रेंज काय चीज आहे ह्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतील एकदा बघून घ्या एकदा बघून घ्या हे बघा वाय इक्वल टू सायनेक्स ठीक आहे आता मी कोणाचा ग्राफ काढणार आहे मी ग्राफ काढणार आहे सायनेक्सचा सा। पहा तर सायनेक्सचा सा ग्राफ काढल्यानंतर तुमच्या गोष्टी लक्षात येतील बऱ्याच बऱ्यापैकी हां सी आपण सायनेक्सचा सा ग्राफ काढूयात तर सायनेक्सचा सा ग्राफ कसा हे बघा झिरो पाय बाय टू पाय थ्री पाय बाय टू टू पाय देन मायनस पाय बाय टू मायनस पाय मायनस थ्री पाय बाय टू अँड मायनस टू पाय ठीक आहे आता ग्राफ बघा कसा येतो सायनेक्सचा सा ग्राफ कसा येतो तर इथं आपल्याला माहिती आहे की सायनेक्सची मॅक्झिमम व्हॅल्यू प्लस वन आहे आणि मिनिमम व्हॅल्यू मायनस वन आहे तर हे हे असा ग्राफ येतो सायनेक्सचा सा। आणि हा टूपायला थांबतो असं नाही असा तर कंटिन्यू होईल ना तो ग्राफ हे बघा हे सायनेक्सचा सा ग्राफ मग आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की डोमेन कसा ठरवला याचा डोमेन मी काय सांगितला आर आता डोमेन कसा ठरवायचा ते सांगतो ठीक आहे डोमेन कसा ठरवायचा त्याबद्दल आपण बघूयात बेटा हा जो ग्राफ आहे मी काढायला काढलाय जिओ मायनस टू पासून प्लस टू पर्यंत मैंने ग्राफ कहाँ से कहाँ तक निकाला है मैंने ग्राफ निकाला है मायनस टू फाय से लेके प्लस टू फाय तक लेकिन ये जरूरी नहीं की यहीं पे ग्राफ खतम होना चाहिए ग्राफ तो ऐसे भी चलेगा लेकिन ये ग्राफ कहीं भी कट नहीं होगा चाहे कितने भी एंगल्स आप लेके चलो ये ग्राफ कहीं भी कट नहीं होगा Osionfish. जब भी ग्राफ किसी भी पॉइंट पे कट नहीं होता है उसका डोमेन होता है आर आर यानी रियल नंबर याद रखो और जिस भी पॉइंट पे ग्राफ कट होगा उस पॉइंट को डोमेन से माइनस करना होगा लेकिन इस ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे ग्राफ कट नहीं होता है इसके लिए ये डोमेन क्या लिखा है मैंने डोमेन लिखा है मैंने आर ये होता है डोमेन का मतलब ठीक है ना रहा सवाल रेंज का सर इसकी रेंज क्या है <coughs> तो इसकी रेंज है माइनस वन टू प्लस वन रेंज कैसे देखेंगे आप ग्राफ से देखो अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं देखो डोमेन मतलब यक्स वैल्यूज एंड रेंज मतलब वाई वैल्यूज अगर मैं रेंज की बात करूं या वाई एक्सिस की बात करूं तो मेरा ग्राफ नीचे कहां तक आ रहा है ये माइनस वन से ऊपर ही जा रहा है ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैंने निकाला है माइनस वन से नीचे नहीं जाएगा प्लस वन से ऊपर नहीं जाएगा मतलब Sinex की सारी वैल्यूज़, सारी तो कौन से वैल्यू से कौन से वैल्यू तक स्प्रेड हुआ है।, ये, होता है रेंज और ग्राफ अगर किसी भी पॉइंट पे कट नहीं होता है तो वो होता है डोमेन आर एक्स का सिमिलरलीसे कॉस का कौस का भी आप ग्राफ सिमिलरली निकाल सकते हो मैं अभी लेके चलता हूं आपको टेन की तरफ टेन क्या है देखो तो टेन का ग्राफ निकालेंगे वाई इक्वल टू टेन एक्स अब आपको यह पता है कि टेन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफाइन होगा टेन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफाइन होगा टेन नॉट डिफाइन होगा और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कहा मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे इसके लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा जहां जहां भी ग्राफ नॉट डिफाइन होता है ना ऐसे डॉट लेने पड़ेंगे ऐसे देखो यहां पे आपका ग्राफ नॉट डिफाइन होगा अब रहा सवाल इसके वैल्यूज का ठीक है अब देखो टेन एक्स का ग्राफ कैसे होगा टेन एक्स का ग्राफ होगा ऐसे ऐसे ये होगा आपका टेन एक्स का ग्राफ ठीक है ना अब डोमेन कैसे डिसाइड करेंगे है ना डोमेन कैसे डिसाइड करेंगे मैंने अब भी बताया था आपको साइन के टाइम कि डोमेन डिसाइड करने के लिए आपका ग्राफ किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हुआ है क्या सर हुआ है कौन से पॉइंट्स पे ब्रेक हुआ है ग्राफ जहां जहां और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है यस थैंक यू प्रथम इज थैंक यू जहां जहां भी और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है देखो ये जो डॉटेड लाइन निकाली ना ये उस डॉटेड लाइन पे ग्राफ आपका कट हो रहा है जहां जहां भी ग्राफ आपका कट होगा ना उसको आर में से माइनस कर दो आर में से माइनस कर दो तो डोमेन होगा आपका r 2n plus 1 pi by 2। भाई पे ग्राफ कट हो रहा है जहां जहां भी और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ रहा है इसके लिए डोमेन होगा आर माइनस टू एन प्लस वन पाए बाई टू देखो ये वाला ये वाला अच्छा रेंज क्या है सर रेंज क्या है range है इसका माइनस से प्लस मैंने बोला था रेंज जब आप फाइंड करोगे ना क्या देखोगे आप वाई एक्सिस नीचे वैल्यूज कहां तक गई है माइनस इंफिनिटी ऊपर कहां तक गई है प्लस इंफिनिटी तो ये हुआ रेंज अभी x के टाइम क्या हुआ था साइन x के टाइम माइनस वन से नीचे नहीं जा रही थी और प्लस वन के ऊपर नहीं जा रही थी सारी वैल्यूज माइनस वन टू प्लस वन में लॉक हो रही थी बीच में इसके लिए वहां पे मैंने रेंज लिखा था माइनस वन टू प्लस वन लेकिन यहां नीचे माइनस इनफिनिटी तक ऊपर प्लस इनफिनिटी तक इसके लिए रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको यहां पर समझ लो तर अशा पद्धतीनं डोमेन आणि रेंज ठरवतात एकदा ग्राफ तुमच्या डोळ्यापुढे आला का डोमेन आणि रेंज डिसाईड करणं खूप सोपं आहे खूप सोपं आहे जसं मी टॅनेक्सचा ग्राफ काढला ना तसं तुम्ही कॉटेक्सचा काढून बघा कॉटेक्स कुठं तुटतो ग्राफ कुठं तुटतो ब्रेक कुठं होतो ग्राफ तर पायला झिरोला झिरो पाय टू पाय मायनस पाय मायनस टू पाय म्हणजेच एन पाय तर ते पॉइंट डोमेन मधनं कमी करा डोमेन म्हणजे आर्मधन कमी करा त्याचा डोमेन असेल कॉटचा डोमेन आर माइनस एन पाय आता पुढचा बघा आता मी कोसेक्सचा ग्राफ काढून दाखवतो तुम्हाला कोसेक यक्स ठीक आहे हां तर कोसेक्सचा ग्राफ काढतो आणि मग थोडेसे क्वेश्चन्स घेऊयात आपण तुमच्याकडले काही क्वेश्चन्स असतील तर Sí. माइनस वन प्लस वन इत एक लाइन घे तुम्हें अशी ठीक है आणि ही सी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हे लक्षात घ्या की कोकच्या व्हॅल्यू नॉट डिफाईन कुठं होतात नॉट डिफाईन होतात कोसेकचा व्हॅल्यू कुठं नॉट डिफाईन होतात पाय टू पाय कशामुळे नॉट डिफाईन होतात तर मी म्हटलं बेटा साईन पाय साईन टू पाय झिरो असतो जिथं साईन झिरो असेल तिथं कोसेक नॉट डिफाईन असेल हा ग्राफ कसा ब्रेक होता आहे ते सांगतो मी की आता बघा तुम्हाला साईनचा व्हॅल्यू तर पाठ आहेत ना साइन झिरो झिरो असतं साइन पाय झिरो असतं साइन टू पाय झिरो असत साईन माय मायनस पाय झिरो असतं साईन टू मायनस टू पाय झिरो असतं मग साइनचा रिस कोण आहे कोसेक जिथं साइन झिरो असेल तिथं कोसेक नॉट डिफाईन असेल म्हणजे त्या पॉईंटला ग्राफ ब्रेक व्हायला पाहिजे जिथं ग्राफ ब्रेक होतोय ना ते सगळ्या डॉटेड लाईन आहेत इन्क्लुडिंग इन्क्लूडिंग वाई वायएक्सिस Even multiple of pi by two नहीं, नहीं even multiple of pi by two नहीं संकेत। संकेत। आता बेटा, इसे कहेंगे चलेगा चलेगा वो बनेगा ही बनेगा सिंप्लीफाई होके तो ये ग्राफ कैसे आता है हुँ? तो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसे बेटा ऐसे देखो यह ये, ये रहेगा इसका ग्राफ कोसेक ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस वन ना ये ऐसे यह रहेगा आपका कोसेक का ग्राफ कोसेक का ग्राफ ठीक है तो यहां पे डोमेन क्या हुआ यहां पे डोमेन क्या हुआ यहां पे डोमेन बन गया आर माइनस एन पाए डोमेन बन गया आर माइनस एन पाए क्योंकि एन पाए पे यानी जहां जहां भी मल्टीपल ऑफ पाए ना जैसे कि जीरो पाए टू पाए माइनस पाए माइनस टू पाए वहां वहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है यस तो वहां वहां जहां भी ग्राफ ब्रेक होगा ना उसको आर में से माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा डोमेन डोमेन मिल जाएगा देखो और एक बार समझा रहा हूं ग्राफ अगर एक बार समझ में आ गया ना आपको तो डोमेन रेंज आपका हाथ का मैल है हाथ का मैल है कोशे का ग्राफ निकालना है ना देखो सब में एंगल्स तो मैंने सेम लिखा था जीरो टू, टू निगेटिव लिख दिया सिर्फ दिमाग में इतना लाओ आप कि भाई कहां पे कोशेक कहां पे नॉट डिफाइन होता है जैसे कि यहां पे टेन टेन को मैंने यहीं पे क्यों किया क्योंकि टेन पाई बाई टू क्या होता है नॉट डिफाइन

सभी जगह पे डिफाइन है इसीलिए तो इसका डोमेन आर है यहां पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन क्यों है क्योंकि वहां पे फंक्शन का वैल्यू एक तो नॉट डिफाइन आता है तो ये हो गया कोशिक के ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट होंगे जहां पे साइन नॉट डिफाइन होगा सॉरी साइन जीरो होगा साइन जब जीरो होगा तो कोशिक क्या है वन बाय साइन है ना तो नीचे वाला टर्म जीरो हुआ नीचे वाला डिनोमीटर जीरो तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइन होगा इस तरीके से तो जहां जहां भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसको आर में से माइनस करो मिल जाएगा आपको डोमेन रहा सवाल रेंज का रेंज का अब देखो भाई रेंज में वैल्यूज कहां से कहां तक स्प्रेड हो रहे एक तो ये वाली लाइन कौन सी है माइनस वन वाली लाइन है आर मे रियल नंबर रियल नंबर्स रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर यानी ऑल रियल नंबर देखो यहां ग्राफ से आपको एक तो बात पता चल रही होगी कि वेल्यूज आपके माइनस वन से कम है या प्लस वन से बड़ी है कोई भी वैल्यू आपको माइनस वन टू प्लस वन में नहीं दिख रही होगी माइनस वन टू प्लस वन में नहीं दिख रही होगी आर मींस रेंज नहीं आर मींस रियल नंबर माइनस वन टू प्लस वन में कोई भी वैल्यू आपकी लाई नहीं होती मतलब आपकी कौशिक की वैल्यू एक तो प्लस वन से बड़ी होगी या माइनस वन से कम होगी सर प्लस वन से बड़ी होगी का मतलब ऐसे ये वन टू इंफिनिटी वन से बड़ी यूनियन माइनस वन से कम भी तो है ऐसे ये देखो ये बन गया आपका रेंज इस टेबल में वही चीज लिखी है इस टेबल में वही चीज लिखी है ये देखो यहां कोसेक के टाइम माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन वन टू इंफिनिटी तो ये टेबल आपको याद रखना है लेकिन मैंने रिप्रेजेंटेटिव साइन का ग्राफ निकाल के दिखाया टेन का ग्राफ निकाल के दिखाया एंड कोसेक का ग्राफ निकाल के दिखाया क्योंकि ग्राफिकल जो स्टडी है ना आपको आपका ट्वेल्थ का जो कैलकुलस वाला पार्ट है ना वहां पे ग्राफ का बहुत ज्यादा काम आता है स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से एक लेसन है आपका ट्वेल्थ में वहां पे ग्राफ का बहुत ज्यादा काम है बहुत बड़ा काम है ग्राफ का तो ये टेबल आपको वहां पे लगेगा ताकि आपको ग्राफ आप ग्राफ आप निकाल सको साइन एक्स का टेन एक्स का कोसेक एक्स का ये आगे चलते पढ़ लो एक बार फॉर्मूलाज ये सारे फॉर्मूलाज आपके फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला बुक भी नहीं कहूंगा एक आपकी डेडिकेटेड मैथ्स की बुक रहेंगे ना उस सब में ये फॉर्मूलाज मुझे चाहिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम करने वाले ये कभी भी लग सकता है एक बार देख लो देख लो एक बार ये सारे फॉर्मूलाज लगेंगे हाँ तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी

आपको याद रखना चाहिए इलेवंथ में ये फॉर्मूलाज आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला से क्वेश्चन भी किए होंगे इलेवंथ में लेकिन अभी और क्वेश्चन करेंगे हम। ये सारे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज है हाँ, ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। ये वाला दोनों अच्छे से याद रखो इसे। साईन ए प्लस बी साइन ए मायनस बी सायन्स क्वर ए मायनस कॉस सायन्स बी या फिर कॉस्क्वर बी मायनस सा ए कॉस ए प्लस बी कॉस ए मायनस बी कॉस स्क्वर ए मायनस सायन्स स्क्वर बी या फिर कॉस क्वेअर बी मायनस सायन्स ए ये मल्टिपल अँगल के फॉर्म्युलाज साइन टू थिटावाला दो फॉर्म्युलाज आहे टू साइन थिटा कॉस थिटा या फिर टू टेन थिटा आपण इलेव्हनचे आहेत पूर्ण हां इलेव्हनची टेक्नॉमिट्री आहे 11 मी नावच दिले इलेव्हन टेक्नॉमिट्री सगळं इलेव्हन तर चालू आहे कॉस्ट टू चे मात्र चार फॉर्म्युलाज आहेत हे बघा कॉस्ट टू चे जसे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये गरज पडते त्याप्रमाणे आपल्याला फॉर्म्युला वापरावा लागतो हा नाही ट्रिग्नोमेट्री भीती वाटण्याचं कारण काय माहिती का नंबर ऑफ फॉर्म्युलाज खूप जास्त आहेत आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट काय माहिती का हे फॉर्म्युलाज पार्ट जरी असले तर कोणत्या क्वेश्चनला कसा वापरायचा हे चार फॉर्म्युला पार्ट आहेत पण कोणत्या वेळी कोणता वापरायचा हे थोडं कन्फ्युजन होतं यामुळे आपल्याला हा टॉपिक अवघड वाटू शकतो लक्षात आलं हा तर हे सगळे फॉर्म्युलाज व्यवस्थित तुम्हाला मी इथं लिहून आणलेले आहेत तुमच्यासाठी सी वन प्लस कॉस्ट टू थिटा टू कॉस्ट स्क्वेअर थिटा वन मायनस कॉस्ट टू थिटा टू सायन्स स्क्वेअर थिटा वन प्लस कॉस्ट म्हणजे ह्याच मॉडिफिकेशन आहे याच हे मॉडिफिकेशन आहे आणि याच हे मॉडिफिकेशन आहे फक्त ह्या टू ला खाली आणलंय लाईक दिस हे कॉस टू थिटाचे चार फॉर्म्युले बाय का कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस सायन्स क्वेअर थिटा टू कॉस्क्वेअर थिटा मायनस वन वन मायनस टू सायन्स थिटा वन मायनस टाइन स्क्वेअर थिट आपण वन प्लस टाइन स्कोअर थिटा सर प्रूफ बहुत हार्ड होते हैं कुछ ट्रिक नहीं बेटा मैं मैंने पहले बताया ना इसको इसका इसके प्रूफ में मत जाओ इसके प्रूफ में मत जाओ कोई जरूरत नहीं है कोई नहीं पूछेगा आपको प्रूफ ये इलेवंथ का ट्रिग्नोमेट्री है भाई साहब आपको इस, इसे सिर्फ जेई के लिए सीई सीटी के लिए पढ़ना है बोर्ड के लिए नहीं इसके प्रूफ में मत जाओ जब क्वेश्चंस करेंगे ना मोर अँड मोर क्वेश्चन्स करेंगे तो धीरे धीरे आप ये आपको याद आपण मतलब याद आते जाएंगे जाएंगे याद आते हां क्लास नोट्स भेटतील हंड्रेड पर्सेंट भेटतील क्लास संपल्यानंतर क्लास नोट्स सेक्शन मध्ये तुम्हाला याचे नोट्स भेटतात ही प्रोसिजरच आहे सगळ्याच बॅच मध्ये असं चालतं हे मी बोर्डावरती जे काही लिहितोय ना ही प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला तिथे भेटणार आहे एव्हरीथिंग एव्हरीथिंग हा टेन टू थीटा हे बघा ह्या पुढच्या कंडिशन तुम्ही लक्षात तु नाही ठेवलं तर चालेल बघा का हे, हे तुम्ही इग्नोर करा हे मी दिले ह्यासाठी की कोणी ऑब्जेक्शन घेऊ नये यासाठी पण फॉर्म्युला लक्षात ठेवताना ह्या कंडिशन लक्षात ठेवण्याची गरज नाही टेन टू थीटा टू टेन थीटा आपण वन मायनस टेन स्क्वेअर थीटा वन मायनस कॉस थिटा आपण साइन थिएटाचं सिम्प्लिफिकेशन टेन थीटा, थीटा बाय टू कॉट थिटा बाय टू वन मायनस कॉस थिटा वन प्लस कॉस थिटा बघा किती छान फॉर्म्युले तुमच्यासाठी लिहून आणलेत मी सग्ग, सग्ग हे एवढं केलं ना आणि काहीच लागत नाही टूनामिटरीमध्ये सगळं सगळं तुमच्या डोळ्यापुढे सगळं तुमच्या पुढे एव्हरी टाईपचे ची फॉर्म्युलाज ह्याच्या बाहेर तर काहीच लागणार नाही कोणतंच बुक वापरू नका सध्याला तरी हे फॉर्म्युलाज व्यवस्थित नोट डाऊन करा साईन थ्री थिटा कॉस थ्री थिटा टेन थ्री थिटा हे फॉर्म्युलाज क्वेश्चन्स मध्ये आपल्याला वापरायचे बरं काय नेक्स्ट व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट शॉर्टकट हे सगळेच एक दोन तीन चार हे शॉर्टकट कसे वापरायचे हे पण मी तुम्हाला सांगून देतो सर या फॉर्म्युलावरती क्वेश्चन करून घ्या ना बिलकुल भरपूर क्वेश्चन्स करून घेणारे काही चिंता नको काही चिंता नको ही फक्त लिस्ट दाखवणं चालू आहे सध्याला क्वेश्चन्स भरपूर घेणारे आहेत पुढे क्वेश्चन्स आहेत एकदा पाहून घ्या ये रिकॉर्ड लेक्चर मिलने वाला है कोई दिक्कत नहीं हाँ तो ये जो ट्वेंटी वन वाला फॉर्मूला है ना इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं ये ट्वेंटी वन वाला सबसे पहले आप एक चीज नोटिस की होंगे आपने कि सारे फंक्शन कॉस के है यहां पे कॉस ए कॉस टू ए कॉस्ट टू टू स्क्वायर ए कॉस टू पावर लेने का फॉर्मूला यहां पर लिख लेता हूं मैं यहां पर लिख लेता हूं कॉस थीटा थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं समझने की कोशिश करो कॉस टू थीटा कॉस टू स्क्वेर थीटा सोन अप टू कॉस टू पावर एन माइनस वन थीटा इसका सिंप्लीफिकेशन होता है साइन ऑफ टू पावर एन थीटा अपॉन टू पावर एन साइन थीटा अच्छा मुझे एक बात का आंसर दो आप सभी लोग एक बात का मुझे आंसर दो हाँ मैं इसका अर्पित मैं इसका तरीका बताता हूं कैसे याद रखना है ये शॉर्टकट कैसे याद रखना है सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ में कितने टर्म्स है टर्म बताओ मैं इसका एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा आपको और फॉर्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना फॉर्मूला याद रहेगा आप ऐसे हाथ में बुक लेके बैठोगे और बोलोगे कि मुझे फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा है नहीं हो सकता क्वेश्चंस करना पड़ेगा संध्या बिल्कुल सही ये कितने टर्म्स है ये यन टर्म्स है देखो काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है यहां टू का पावर क्या है यहां टू का पावर वन है इसका मतलब इस टर्म में टू का पावर झीरो है इस टर्म में टू का पावर जीरो है और यहां से टू का पावर एन माइनस वन है तो जीरो टू एन माइनस वन कितने टर्म्स हो गए यन टर्म्स सबसे पहली बात कि ये प्रोडक्ट कितने टर्म्स का है भैया एन टर्म्स का प्रोडक्ट है तो यहां एन मैंने यूज किया है अब एक एग्जांपल देखो आराम से अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन किया कॉस्ट ट्वेंटी कॉस्ट फोर्टी कॉस एटी एंड कॉस्ट वन सिक्सटी अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू फाइंड करो इसकी वैल्यू फाइंड करो सबसे पहले अगर ये वाली शॉर्टकट आपको यूज करनी है ना तो ध्यान रखो ये वाली शॉर्टकट अगर आपका अगर आपको यूज करनी है सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका एंगल ट्वाइस होते जाना चाहिए देखो इसका ट्वाइस ये है इसका ट्वाइस ये और इसका ट्वाइस ये आपका एंगल ट्वाइस होते जाना चाहिए हाँ, आपका एंगल ट्वाइस होते जाना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज होता है तभी ये फॉर्मूला यूज होता है याद रखना सबसे पहली चीज दूसरी चीज सारे फंक्शन कॉस के चाहिए हाँ सारे फंक्शन कॉस के है क्या हाँ सारे फंक्शन कॉस के है तीसरी चीज सारे टर्म्स प्रोडक्ट में चाहिए सारे टर्म्स कैसे चाहिए प्रोडक्ट में चाहिए तो क्या होगा कि यहां पे ये शॉर्टकट में लगाऊंगा साइन ऑफ टू पावर देखो टू की पावर यन है यन यानी क्या है नंबर ऑफ टर्म्स भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स है चार कितने टर्म्स है चार यानी यहां पे यन की जगह मुझे लिखना पड़ेगा फोर यन की जगह क्या लिखना पड़ेगा फोर सर थीटा क्या ले लू थीटा बेटा सबसे लिस्ट एंगल सबसे लिस्ट एंगल कौन सा है ट्वेंटी डिग्री है यहां पर सबसे लिस्ट एंगल कौन सा है ट्वेंटी डिग्री है तो यह ट्वेंटी डिग्री हुआ अपॉन टू पावर फोर साइन ट्वेंटी डिग्री चलो इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये पावर कितना होता है 16, 16 होता है 16 कितना तो ये होगा आपका थ्री ट्वेंटी अपॉन ये सिक्सटीन साइन ऑफ ट्वेंटी बस ये सिंप्लीफिकेशन इसका बन गया सर कॉस की जगह और कुछ नहीं रख सकते नहीं फिर ये शॉर्टकट काम नहीं करेगी यह शॉर्टकट तभी काम करती है सारे फंक्शन cos के होने चाहिए अगर फंक्शन साइन के है ना तो उसको कंपाउंड एंगल से cos में कन्वर्ट कर दो साइन में है तो कंपाउंड एंगल से cos में कन्वर्ट कर दो लेकिन यह फॉर्मूला तभी काम करेगा जब सारे फंक्शन कॉस के हो ठीक है ना तो इस तरीके से ये शॉर्टकट यूज हो सकता है आ, ये हो सकता है कि आगे और भी सिंप्लीफाई हो लेकिन मैं यहां तक बता रहा हूं आपको आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है ठीक है अब ये फर्स्ट फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया कि इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चन में अब यह सेकेंड फॉर्मूला पढ़ो साइन थीटा साइन सिक्सटी माइनस थीटा साइन सिक्सटी प्लस थीटा इक्वल टू वन बाई फोर साइन थ्री थीटा देखो बच्चों समझो मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है फाइंड साइन ट्वेंटी है ना साइन फोर्टी एंड साइन एटी इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो अभी हमने क्या पढ़ा था साइन थीटा साइन सिक्सटी माइनस थीटा साइन सिक्सटी प्लस थीटा अगर मैं इसे थीटा मानता हूं तो क्या ये सिक्सटी माइनस थीटा है सर हा है क्या ये सिक्सटी प्लस थीटा है हाँ जी बिल्कुल है अगर ये पैटर्न आपको मिलता है सर आप ट्वेल्थ टेस्ट बुक के एक्सरसाइज कराओगे क्या हाँ बिल्कुल ट्वेल्थ की एक्सरसाइज कराऊंगा जब 12 का आ, 12 का जब लेसन स्टार्ट होगा ना बिल्कुल करूंगा अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये सिक्सटी माइनस थीटा है तो इसका आंसर भाई लिखो डायरेक्टली वन बाय फोर साइन थ्री थीटा ये शॉर्टकट होता है वन बाय फोर साइन थ्री इंटू कितना ट्वेंटी यानी कि वन बाय फोर साइन सिक्सटी तो वन बाय फोर 60 की वैल्यू क्या है सर sin 60 की वैल्यू रूट थ्री बाय टू तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा रूट थ्री बाय एट जब ट्वेल्थ का चैप्टर आएगा ना तो बिल्कुल कराऊंगा मैं आपको एक्सरसाइज बता के करूंगा कि ये थ्री पॉइंट वन का एक्सरसाइज है थ्री पॉइंट टू का एक्सरसाइज है बता के करूंगा इलेवंथ में नहीं इलेवंथ में नहीं इलेवंथ में तो रैंडम क्वेश्चन लूंगा मैं कहीं से भी ठीक है ना तो ऐसे शॉर्टकट यूज करनी है सिमिलरली कॉस के लिए एंड सिमिलरली टेन के लिए लेकिन सिर्फ टेन में फर्क क्या है कि यहां पे वन बाय फोर है नहीं यहाँ पे वन बाय फोर है नहीं टेन में हुं? देखो तो ये होता है शॉर्टकट फॉर्मूलाज तो इसे कहेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशंस इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस यूजुअली हम इसे साइंस प्लस साइन डी करके याद रखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में और बहुत जगह पर साइंसी प्लस साइन डी तरीके से दिया जाता है लेकिन यहां साइन ए प्लस साइन भी हुआ है क्या दिक्कत है याद रखो ये देखो सारे फॉर्मूलाज ये दो फॉर्मूलाज याद मत रखो ये मुझे लगता नहीं कि याद रखने चाहिए ये दो वाले लेकिन ये ऊपर के चार याद रखने पड़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी ऐसी कुछ आप याद रखते हो ना यहां सी और डी की जगह ए और बी है क्या फर्क पड़ता है सेम तो है साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस हाँ, यहां पे गलती हो गई यहां पे गलत लिखा है यहां पे हाँ नहीं ये सही है सही है सॉरी सही है सही है साइन कॉस ये एंगल चेंज हुआ है ना सही है सही है सब कुछ सही है यस शेख थैंक यू अलीम थैंक यू हाँ ये वाला भी याद मत रखो ये वाले चार फॉर्मूला याद रखो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट वन बाय फोर कैसे आया वन बाय फोर फॉर्मूला में बेटा शॉर्टकट में है ना ये देखो वन बाय फोर शॉर्टकट में वन बाय फोर साइन थ्री थीटा शॉर्टकट में इसे याद रखना है एज इट इज सर सेकंड इज रॉन्ग नहीं बेटा रॉन्ग नहीं है एंगल चेंज एंगल बदला है ना उसने ये एंगल इधर है या एंगल इधर है मुझे भी पहले वैसे लगा था सही है सही है मुझे पहले वैसे लगा था सही है अपने को याद आदत कैसी है ए प्लस भी पहले लिखते ना आप तो कॉस इधर ले लो साइन इधर ले लो वही हो गया बात वही हो गया ये चार फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हाँ अब ये फार्मूलाज देखो सर क्लास कब तक चलेगा 545 फोर्टी फाइव पौने छ तक पौने साह पर क्लास चल पौने एन आवर मोर हाफ एन आवर मोर हाफ एन आवर हाँ तो ये कुछ एंगल्स है जो आपको याद रखने चाहिए ये ये वाले साइन 15 कॉस 15 टेन 15 कॉट 15 वगैरह इसकी प्रूफ में मत जाओ इसकी प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप बता देना चार्ट में आ, मैं आ, किसी एक का अगर प्रूफ चाहिए तो मैं वो बना के दे सकता हूं आपके लिए लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी प्रूफ में जाना चाहिए कैसे भी इलेवंथ का टेक्नोमिट्री है लेकिन आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए लिखा हुआ चाहिए सब कुछ साइन फिफ्टीन कॉस्टिफ्टीन टेन फिफ्टीन कॉट फिफ्टीन साइन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव कॉस्ट ट्वेंटी टू

कंपाउंड एंगल 54 18 चा कंपाउंड एंगल 72 अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं आपल्याला हे प्रूफ चाहिए तो कौन से कौन से कौन सा प्रूफ दे दो चेतन कौन सा प्रूफ चाहिए आपको कोई पूछेगा नहीं आपको प्रूफ फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूंगा बताओ कौन सा प्रूफ चाहिए आपको <coughs> कौन सा प्रूफ चाहिए आपको अगर आपको फिफ्टीन वाला प्रूफ चाहिए ना तो साइन फिफ्टीन वाला चाहिए अच्छा चाहिए फिफ्थ चाहिए वाला मतलब ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव नंबर फाइव हाँ सर नोट्स आज मिलेंगे ना हाँ यस यस साइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव किसी ने पूछा है देखो थीटा इक्वल टू 22.5 तो टू थीटा कितना होगा आपका फोर्टी फाइव होगा इस पर आप क्या करो साइन अप्लाई कर दो है ना तो साइन टू थीटा या कॉस लेंगे अपन कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस फोर्टी फाइव है ना कॉस टू टू थीटा को क्या लिख सकते हैं आप टू साइन स्क्वे थीटा माइनस वन सही है क्या या वन माइनस टू साइन स्क्वे थीटा हाँ नहीं ये गलत है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन बाय रूट टू है ना तो यहां से रूट टू माइनस टू रूट टू साइन स्क्वेयर थीटा या फिर इसे अपन उधर ही लेंगे देखो वन माइनस वन बाय रूट टू इक्वल टू टू साइन स्क्वेयर थीटा सो रूट टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अब इसका स्क्वायर रूट ले लो इसका रूट लेने के बाद ये आपको मिल जाएगा इसका रूट लेने के बाद और आफ्टर ऑल थीटा क्या है आपका ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव है ठीक है ना मुझे लगता नहीं इसके प्रूफ में जाना चाहिए फिर भी हुँ? ओके ये वाला फॉर्मूलाज ये भी याद रखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ये कुछ भी याद मत रखो सिर्फ मैं एक चीज बताता हूं उतनी याद रखो बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं सिर्फ मेरी एक एक चीज याद रखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इसके लिए आप एक काम करो सिर्फ दो चीजें याद रखो सिर्फ दो चीजें याद रखो सबसे पहली चीज अगर आपका एक्सप्रेशन है ना अगर आपका एक्सप्रेशन ए थीटा प्लस बी थीटा फॉर्म में है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों जो मैंने दिया है ना इसको याद रखने की कोशिश मत करो ये तो ऐसे ही थियरी पार्ट दे रखा है सिर्फ इतना याद रखो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इस एक्सप्रेशन क्या इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी अगर आपका एक्सप्रेशन ए साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस्थीटा प्लस सी है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है C प्लस अंडो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस इतनी सी चीज याद रखो इतनी सी चीज याद रखो बाकी सब भूल जाओ ये वाला मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सर ये कैसे यूज करे सर ये कैसे यूज करे है ना इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं इसको यूज कैसे करेंगे ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला इसको कैसे याद रखे इसका मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूं हा? इसका सोल्यूशन आगे है देखो यहां मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इसका कौन सा वैल्यू निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है अब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो ना टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस फोर कॉस टू एक्स ये मेरा एक्सप्रेशन है देखो तो एक्सप्रेशन क्या बना थ्री इसका फॉर्मूला क्या है ये बनता है साइन टू एक्स प्लस फोर कॉस टू एक्स अब मुझे क्या चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अब भी मैंने बताया था कि देखो ये वाला एक्सप्रेशन इसका मैक्सिमम वैल्यू ये इसका मिनिमम वैल्यू ए अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है ना ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है ना ये वाला थीटा की जगह क्या है टू एक्स फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता थीटा की जगह कुछ भी रहने दो कुछ भी रहने दो फर्क नहीं पड़ता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर ए और बी क्या है साइन और कॉस के कोएफिशिएंट यानी थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी नाइन प्लस सिक्सटीन यानी फाइव सर मिनिमम वैल्यू क्या है तो बेटा मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर और बी कौन है साइन और कॉस के कोई साइन ऑफ के कोइफिशिएंट माइनस फाइव तो आंसर बन गया आपका ये फाइव एंड माइनस फाइव व्हाट इज मीन बाय सी इन दैट फॉर्मूला इस फॉर्मूला में सी होता है बेटा अगर कहीं बार क्या होता है कॉन्स्टेंट भी तो होता है अगर समझो यहां पे ऐसे क्वेश्चन आया थ्री साइन टू एक्स प्लस फोर कॉस टू एक्स प्लस फाइव प्लस फाइव तो जो प्लस फाइव होगा इसमें इसमें आगे चल के वो होगा सी कॉन्स्टेंट ठीक है ना तो ये 5 and minus 5, इसका आंसर देखो उसी का जवाब दे रहा था मैं कि समझो एक एक्सप्रेशन मेरे पास ऐसे आया प्लस फाइव तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा फाइव माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी यानी क्या यानी फाइव माइनस अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी जीरो नहीं ये मिनिमम होगी मिनिमम और अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो ये होगा फाइव प्लस टे हाँ रिवीजन लेंगे ना अभी देखो यहां पे क्वेश्चन है द लिस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ठीक है ना इस एक्सप्रेशन की लिस्ट वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल ले रहा हूं नीचे वाला फाइव कॉशियक्स प्लस ट्वेल्व साइन प्लस फिफ्टीन मुझे इसका लिस्ट वैल्यू लिस्ट यानी क्या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे बताओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगा इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा हाँ सी टी पी वाई क्यों लेंगे ना कोई बता सकता है मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का देखो यहां मिनिमम वैल्यू बोला है लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू क्यों मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं पता चलेगा आगे सिर्फ मुझे इसका आंसर दे दो पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा हाँ कॉमन कॉमन फर्स्ट 28 आएगा देखेंगे अब भी मैंने बताया था कि ये वाला बेटा एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी फॉर्म में है अब मैंने बताया था आपको कि इसका मैक्स क्या होता है इसका मैक्स होता है सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मैक्स क्या होगा फिफ्टीन प्लस अंडर रूट फाइव स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर यानी 15 प्लस ये 13 तो ये हो गया 28 क्या हो गया 28 इसका मैक्स वैल्यू क्या हो गया 28. तो बेटा मुझे इसका मिनिमम निकालना है देखो क्या होता है डिनोमीटर जितना मैक्सिमम होगा ये डिनोमीटर जितना मैक्सिमम होगा उतना ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा यानी फॉर दिस एक्सप्रेशन मिनिमम या लिस्ट वैल्यू क्या होगी ये होगा वन बाय ट्वेंटी एट तो आपका आंसर बना ऑप्शन बी बॉम्बे क्यों सर आपने डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू निकाला है तो मैंने वही कहा ना डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी ये वैल्यू छोटी होगी उतनी ये वैल्यू छोटी होगी मुझे तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी ना जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आएगा ना रेसिप्रोकल में तो अगर इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू पूछा है तो डिनोमीटर का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ये फंक्शन मिनिमाइज होगा मिनिमम होगा तो इसके लिए इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई या लिस्ट वैल्यू कहेंगे ये समझ में ओके सर प्लीज सर फॉर्मूला अप करके मिनिमम वैल्यू दो आती है पर सर कौन सा फॉर्मूला अप कौन सी वैल्यू पुट अप करके बोल रहे हो रुचा कौन सी वैल्यू पुट अप करके बोल रहे हो सर फॉर्मूला अप करके कौन सा फॉर्मूला अप किया आपने लिस्ट वैल्यू वन बाय टू क्यों नहीं वन बाय टू वन बाय टू का क्या लॉजिक है समझ में नहीं आया मुझे वन बाय टू का क्या लॉजिक है इस वाले का ना फाइव कॉस एक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स प्लस फिफ्टीन नहीं सर हाँ सर टू आ रहा है कैसे टू आ रहा है क्या बोल रहे बच्चे अरे नहीं बेटा टू जिनका आ रहा है ना उनकी गलती क्या हो रही बताओ बताता हूं आपने डिनोमीटर का मिनिमम वैल्यू निकाला है डिनोमीटर का नहीं निकालना है इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू है हाँ बेटा सी माइनस यूज नहीं करना है देखो अगर अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या है फाइव कॉस एक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स प्लस फिफ्टीन तो आपका आंसर सही है तो इसका मिनिमम वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू टू आता है ये बात सही है लेकिन यहां बोला है कि फाइंड मिनिमम ऑफ वन अपॉन साइन एक्स प्लस क्या है फाइव uh, कॉशक्स है क्या ठीक है फाइव कॉश प्लस ट्वेल्व साइन प्लस फिफ्टीन मैं आपको वही समझा रहा हूं देखो क्या होता है ये डिनोमिनेटर में है ना ये ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है जब इस ये डिनोमिनेटर में है तो इसे ये मिनिमम कब होगा ये मिनिमम होगा व्हेन डिनोमिनेटर व्हेन ये मिनिमम होगा देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं ये मिनिमम तब होगा व्हेन डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा डिनोमिनेटर क्या होगा मैक्सिमम होगा तो इस टाइप पे डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो आज बात समझ में तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ट्वेंटी एट है इतना तो आपको मंजूर है ना डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपको पता है 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 अपॉन अपॉन में बात 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 चल रही 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 मैं एक्सप्रेशन की की नहीं हो रही मेरी। की बात हो मेरी जब भी रेसिप्रोकल की बात होती है ना तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये जितना बड़ा होगा उतना ये नंबर छोटा होगा और मुझे इसकी मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है आगे बात समझ में हां अगर मुझे इसका मैक्स पूछा होता तो मैं इसका मिनिमम निकालता नीचे का मिनिमम निकालता देखो यहां पे समझा रहा हूं तो इसके लिए यहां पे यह आंसर आपका एकदम वन बाय ट्वेंटी एट सही है लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता फाइंड मैक्स ऑफ वन अपॉन फाइव कॉस ट्वेल्व साइन एक्स प्लस फिफ्टीन तो मैं आंसर लिखता वन बाई टू तब मैं क्या करता इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढता नीचे की क्या ढूंढता मिनिमम वैल्यू ढूंढता तो यह बात सही है अब अभी ये सही है इस एक्सप्रेशन को पूरे बड़े इस वाले एक्सप्रेशन को मैक्स होने के लिए डिनोमीटर को इसको सबसे बड़ा वैल्यू लेने के लिए डिनोमीटर को सबसे छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा यह होता है बात उल्टा उल्टा चल रही है रेसी की बात हो रही है बेटा अब शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल की बात हो रही है ना रेसिप्रोकल की चलो आगे क्या है हम्म मुझे इसका आंसर दे दो आप वैल्यू ऑफ सिक्सटीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा इंटू कॉस एट थीटा चलो मुझे इसका आंसर दे दो मैं आपके पास ऑप्शन भी रखता हूं साइन फोर थीटा साइन एट थीटा साइन सिक्सटीन थीटा एंड डी कॉस एट थीटा चलो इसका आंसर बताओ मुझे कौन बताएगा एलेवन क्या है श्रावणी क्या है एलेवन एलेवन क्या है इसका आंसर बताओ मुझे cos सिक्सटीन थीटा ऑप्शन सी ऑप्शन डी प्रतीक्षा ऑप्शन सी वैष्णवी ऑप्शन सी ऋषिकेश ऑप्शन डी चेतन ऑप्शन सी साइन फोर थीटा बोल रहा है कोई इसका आंसर आता है ऑप्शन सी हाँ सर तो साइंस सिक्सटीन थेटा आंसर कैसे बना देखो मैं आपको बोलता हूं अब यह वाला एक्सप्रेशन क्या है आपका सिक्सटीन साइन थीटा इंटू कॉस्ट कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा इंटू कॉस एट थीटा देखो यहां से यहां तक ये यह बात अपनी जा रही है किसमें शॉर्टकट में अपनी बात जा रही है शॉर्टकट में हा शॉर्टकट में क्यों क्योंकि सारे फंक्शन कॉस्ट में है, है. सारे फंक्शन प्रोडक्ट में है, है. एंगल ट्वाइस हो रहा है क्या यस सर एंगल ट्वाइस हो रहा है तो इस टाइम पे मैंने शॉर्टकट क्या बोला था आपको मैंने शॉर्टकट क्या बोला था आपको ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या बोला था साइन ऑफ टू पावर थीटा अपॉन टू पावर यन साइन थीटा सर यन क्या होता है सर यन क्या होता है मैंने बोला था यन होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स से बेटा चार है तो ये हो गया साइन ऑफ टू पावर फोर थीटा सर थीटा क्या होता है थीटा यहां पे होता है शॉर्टकट में सबसे लिस्ट एंगल सबसे लिस्ट एंगल कौन सा है सबसे छोटा थीटा है और यहां पे टू पावर फोर साइन थीटा अब टू पावर फोर यानी क्या सिक्सटीन ना तो ये कैंसिल हो गया ये साइन थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया तो साइन ऑफ टू पावर फोर कितना सिक्सटीन तो ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन सी आगे बात समझ में ये शॉर्टकट है बेटा यहां पे थीटा होता है सबसे छोटा वाला एंगल इसमें सबसे छोटा वाला एंगल थीटा है और यन होता है नंबर ऑफ टर्म्स चार टर्म्स है ना बस ये होता है शॉर्टकट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म्युला uh, नव्हता सर मंथन म्हणजे नव्हता म्हणजे काय फॉर्म्युला नव्हता म्हणजे काय हा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे प्रू दॅट प्रू दॅट रूट ऑफ टू प्लस रूट ऑफ टू प्लस रूट ऑफ टू प्लस टू कॉस एट एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स चलो इसका प्रूफ करना है अभी साइन टू थीटा बाय टू पर अप्लाई हो साइन टू थीटा बाय टू नहीं हां यस नाजिया ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन वाल सॉल्व करेंगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन वाल सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज में बता दूं सिर्फ इतने इतने से इसके ऊपर ध्यान रखो और एक फॉर्मुला यहां मैं लिख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए टू इक्वल क्या होता है ये होता है टू कॉस्ट थीटा और एक चीज आपको मैं बता दू कि यहां जो भी एंगल रहेगा ना लेफ्ट में लेफ्ट में जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ बनेगा राइट में उसका हाफ बनेगा राइट में सर सेम क्वेश्चन इलेवन टेक्स्ट बुक में था हाथ हो सकता है कहीं भी हो सकता है मैंने तो रैंडमली ले लिया मतलब मुझे नहीं पता कहां से क्वेश्चन आए मेरे पास रैंडमली ले लिया मैंने हुँ? तो ये ये वाला फॉर्मूला याद रखो लेकिन ऐसे याद रखो कि ये जो कॉस का एंगल होगा ना लेफ्ट में उसका हाफ राइट में एंगल बनेगा उसका हाफ बनेगा तो ये वाला अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दू टू कॉमन लेके तो देखो ले रूट टू प्लस टू प्लस ये टू मैंने कॉमन ले लिया वन प्लस कॉस एट एक्स बना अब इतने से फर, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा देखो अब रूट ऑफ टू प्लस टू प्लस टू इन टू इतने का ये हो गया टू कॉस स्क्वेयर फोर एक्स ठीक है ना इसका आगे क्या होगा टू प्लस टू प्लस फोर कॉस स्क्वायर फोर एक्स फोर कॉस फोर एक्स ठीक है अब ये फोर कॉस्क्वायर फोर एक्स ये स्क्वायर रूट के बाहर आने की कोशिश करेगा ये स्क्वायर रूट के बाहर क्या होके आएगा सर तो ये होके आएगा ये होके आएगा टू कॉस फोर एक्स ऐसे ये स्क्वायर रूट के बाहर ऐसे होके आएगा ना अभी वापस क्या करो इसमें से टू कॉमन ले लो इसमें से वापस क्या कॉमन ले लो टू कॉमन ले लो तो क्या होगा टू कॉमन ले लिया टू कॉमन ले लिया तो क्या बना वन प्लस कॉस फोर एक्स वापस ये वाला फॉर्मूला लगाओ यहां पे भी इतने से तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला लगाने के बाद ये बन जाएगा टू कॉस 2x टू एक्स देखो ये बन जाएगा टू प्लस रूट ऑफ टू इंटू टू कॉस स्क्वेयर फोर एक्स अब ये बन जाएगा फोर स्क्वेयर फोर एक्स अब इसे भी तो स्क्वेयर रूट के बाहर आना है इसे भी तो स्क्वेयर रूट के बाहर आना है तो ये क्या हो क्या आएगा टू कॉस फोर एक्स हो क्या आएगा. अब आगे आगे देखो अब इसमें से टू कॉमन ले लो वन प्लस कॉस फोर एक्स अब ये वन प्लस कॉस फोर एक्स को क्या लिखू टू कॉस एक्स नहीं टू सॉरी यहां पे टू एक्स बनता है ना हाँ अब वापस इसे मैं इसको लिख सकता हूं टू कॉस्क्वेरियक्स तो ये बनेगा फोर कॉस्क्वेरियक्स और एंड में ये होगा टू कॉस एक्स तो यही तो प्रूफ करने को बोला था टू कॉस एक्स ऐसे इसे कहते हैं स्नेक मेथड क्या कहेंगे स्नेक फॉर्म स्नेक फॉर्म इसे कहेंगे स्नेक फॉर्म नेक फॉर्म हा अब होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि अपना टाइम खत्म हो रहा है अभी लास्ट फाइव मिनट है होमवर्क क्वेश्चन ले लो ठीक से होमवर्क का क्वेश्चन है आपका प्रू दैट प्रू दैट टू कॉस फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू कॉस एक्स प्लस वन is equal to 2 cos x minus 1 into 2 cos 2x 2 1 number 2 prove that साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू टू कॉट टू एक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू टू पॉइंट साइन पावर टेन थीटा प्लस कोसेक पावर टेन थीटा तो ये तीन क्वेश्चन होमवर्क वाले क्वेश्चन है आप ट्राई करो कल के क्वेश्चन कल के लेक्चर में मैं इसे डिस्कस करूंगा एकदम स्टार्ट में हां एकदम स्टार्ट में इसका डिस्कशन होगा कल के लेक्चर में लेकिन इसके इसे आपको पहले आपको ट्राई करना है आपके एंड से ठीक है कल से ये वाला मैं अभी अभी तो मैंने हाथ से लिख दिया है आ, कल से जो होमवर्क आएगा आपको डायरेक्टली टाइप किए हुए फॉर्मेट में आएगा यस yes, टाइप किया हुआ फॉर्मेट में आएगा कल से ओके okay? तो ये तीन क्वेश्चन होमवर्क वाले आज का ये सेशन यहीं पे एंड कर देते मिलेंगे कल कल चार बजे मैथमेटिक्स में और अभी शायद फिफ्टीन मिनट का ब्रेक रहेगा फिफ्टीन मिनट की ब्रेक के बाद छह बजे आपका केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो जाएगा ओके थैंक यू डीपीपी मिलेगा ना आपको अभी वर्ड uh, फॉर्मेट for, में डीपीपी मिला होगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको कल मिल जाएगा क्विज फॉर्मेट में यस थैंक यू